हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। यार मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब से खास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरा गेटअप देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, मतलब क्या बनाया होगा आज? बहुत ही अच्छा रील बनाया है, यूट्यूब पे भी डाला है। सपोर्ट करो और ये सारा प्यार जो कमेंट में बताना कि कैसा बना है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईद के लिए मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, भगवान को भी मानती हूँ। मेरे लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, मैं बस इतना मानती हूँ कि इंसान है तो बस यही है कि हम सब इंसान है और मिलके रहना चाहिए। और मैं सबको मानती हूँ, अल्लाह जो है उन्होंने भी मेरे बहुत सारी विशेष पूरी की है और मेरे साथ हमेशा रहते हैं। भगवान भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरी सहायता करते हैं, मेरी फैमिली की सहायता करते हैं, है ना दीदी? तो मेरी पूरी फैमिली जो है हम सबको मानते हैं, अल्लाह को भी और भगवान जी को भी, ठीक है। तो मेरे लिए कोई धर्म बटा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि हम सब इंसान है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक ही है बस। और उनकी बस थोड़ी सी धर्म अलग अलग है और सभी धर्मों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। इसीलिए देखो मैंने अच्छा लुक लिया है ईद के लिए। तो बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, प्यारे प्यारे जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मतलब भला चाहते हैं, आप सभी को ईद मुबारक। सच में मुझे अच्छा लगता है, मतलब सिवैया वगैरह बहुत सारे पकवान होते हैं, मैं गांव में थी ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कि मुस्लिम जाति की थी, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, ना दीदी? मेरी क्लासमेट थी वो, तो मैं उसके घर जाती थी खाने सिवैया, ये चिकन वगैरह। अब तो मैंने खाते, मेरा छूट गया, लेकिन सिवैया मेरी फेवरेट। और भी वो सब होता है क्या, दाल उल क्या बना होता है? और पता नहीं क्या व्हाइट व्हाइट का बनता है दीदी, वो अच्छा लगता है, दाल वाला बनता सिर्फ है, अच्छा लगता है, पर हमको नाम नहीं पता है। तो समझ ली, व्हाइट होता है, बर्फी जैसा होता है, और दाल का भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ईद है तो मेरे घर पे जाता नहीं, तो अभी तो नवरात्रि चल रही है तो ये सब मतलब नहीं बनेगा, लेकिन मैं सेवैया बनवाऊंगी। चाहे जो सेवैया बन सकता है ना? हाँ, सेवैया बन सकता है, पूड़ी नहीं बन सकता है अभी, वो जो पराठा जैसा उन लोग को बनता है ना, वो भी नहीं बन सकता है, क्योंकि पूजा चढ़ने वाला है, हम लोग भी पूजा होने वाला है, और जो मुस्लिम लोग है वो लोग भी पूजा करते है ना उसकी, मतलब उनका भी कुछ है। तो ईद मुबारक। और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, पता है इस रील के लिए ना मैं मतलब सोच रही थी कैसे लुक लू, कैसा लुक रहेगा, क्या करूँ की, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है यार। सॉन्ग सुन के एकदम आंख में जो है पानी आ गया। और ये देखो रील, मतलब ये रोज का है, मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना शूट करने, अभी तक ये इसका जो हॉर्न है, साउंड है, वो बहुत स्लो है, कम है, लेकिन इतना तेज बजा के जाता है सब, इतना तेज, एक बार बजाते जाएगा, बजाते जाएगा, बजाते जाएगा, मतलब मैं करते करते ऐसे रुक जाती हूँ, तब वो शांत होता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? तो बताना, बहुत मुश्किल से ये डिसाइड हुआ है लुक, ठीक है? अब बहुत मेहनत किया इस रील में। तो अभी फिलहाल देखो 10 बजने वाला है, इस रील को शूट करने के लिए हम लोगों ने खाना पीना सारा त्याग दिया है, तो शूट हो गया है। देखो दीदी ने सुबह सुबह खाना बना दिया था, आज तो दीदी मतलब सुबह सुबह ही खाना बना देती है, क्योंकि मेरे भाई को भी खेत में जो कटनी है ना उसके लिए जाना पड़ता है ना दीदी, सुबह सुबह, तो इसीलिए तो खाना बन गया है। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मेरा पूरा गेटअप देख लो, आज जो फ्रॉक है वो मेरी दीदी का है, हमेशा की तरह आज भी उनका ड्रेस लेके कुछ नया करने की कोशिश है। और ये जो दुपट्टा है वो खरीदा है हम लोगों ने ना दीदी, मार्केट गए थे हम लोग, तो बताओ कैसी लग रही हूँ आप बताओ? बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, सच्ची सच्ची, एकदम सिंपल मेकअप। और पता है, इधर आप दीदी दिखाइए इसको, मेरा जो नाक है ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसका जो लगाने वाला होता है ना कुंडी जैसा, वो बहुत मोटा है, तो मैं जबरदस्ती पहनी हूँ सिर्फ इस रील के लिए, और भी रील के लिए मैं पहनती हूँ। देखो ये कान में का है, इयर रिंग्स है, मैंने तोड़ के बनाया है इसको, तो बताओ कितना मेहनत करती है, फिर भी आप लोग मेरी मेहनत को समझते नहीं। सपोर्ट कर दो यार। देखो मेरा नाक भी लाल हो गया होगा इसको पहनने में, तो पूरा गेटअप देख लो, बताना कमेंट में मैं कि मतलब कैसे लग रही हूँ, ठीक है? अपना ढेर सारा प्यार देना और ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, और देखते हैं क्या खाने में बना है। मैं तो सुबह से नहा के आज रेडी हुई, बाल धो के वो भी,
तो मैं जा रही हूँ अभी, मुझे भी नहीं पता क्या बना है, तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, लाइव देखना आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैं मतलब सोचती हूँ शीशा में वीडियो बनाऊं, पर देखो मेरे घर का जो शीशा है वो कितना बड़ा है इसीलिए नहीं बनाती हूँ, ठीक है, शीशा है नहीं बड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी रात हो गई है, और सॉरी जो खाना है, इतना तेज भूख लगा था ना शूट करने के बाद कि मैं तुरंत जाके बैठ गई खाना खाने, तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन मेरे घर पे जो बना था सुबह में वो मैं बता दूंगी। फिलहाल देख लीजिए कितना रात हो गया है, देखो देखो मेरी दीदी आ गई, और चलो थोड़ा सा मैं बाहर का जो है, मैं सिर्फ अंदर से ही बता देती हूँ कि रात है या दिखाती नहीं हूँ, तो देख लो कितना रात हो गया है ये देखो। और आज का जो मौसम है एकदम ठंडा था, एकदम ठंडा ठंडा है, हवा नहीं चल रही है, लेकिन पता है उस समय शाम को मतलब बारिश हुई बहुत तेज, अचानक से धूप था बहुत तेज, लेकिन फिर भी इतना तेज बारिश के मैं क्या बताऊं। और देखो मेरे भाई का मतलब साइकिल, मेरे पापा जी का है, लेकिन वो लेके आया है ऐसे ही, और इधर का देख लो इसमें मेरा भाई सोता है, देखो उसका बिस्तर वगैरह लगा है, और देखो फोटो वगैरह। तो फ्रेंड्स हमारे घर पे जो है सुबह में बना था वो ऐसा लग रहा है कि क्या बना था भाई, देख लो क्या बना था ये सयन, किस किस को पता है इसका नाम, हम लोग सयन बोलते हैं, सयन ये पेड़ होता है, जैसे आम वगैरह का पेड़ नहीं होता है वैसे ही पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा एकदम घना घना उसी में ये फरता है। तो मेरे घर पे पेड़ है, खेत में मेरी मम्मी पापा ने लगाया है, तो देखो कितना सारा अभी अभी तो कितना बन गया है, कुछ दिन से अभी इतना बाकी था बनाना, तो इसी में से बना था सुबह, सयन आलू की सब्जी, सयन आलू बैगन की सब्जी और चावल, और शायद चोखा भी बना था बैगन का अलग से, दोपहर में वो चोखा बना था, लेकिन मैं कोई भी नहीं दिखा पाई, पता है क्या हुआ, शूट करने के बाद बहुत तेज भूख लगा तो मैं जाके खाना खा ली, उसके बाद थोड़ा सा मैं ये लेटी थी, तो उसके बाद मतलब लेटे लेटे कब सो गई पता नहीं चला, पता है शूट करते करते इतनी ज्यादा थकान हो जाती है ना कि थोड़ी सी मुझे सोना पड़ता है, तो मैं सोती हूँ दोपहर में थोड़ी सी, उसके बाद उठी तो इतना तेज भूख लगा था कि जाके फिर से खाना खा ली, इसके बाद मैं नहीं दिखा पाई, और मेरे साथ ये घटना रोज ही होता है, मैं नहीं दिखा पाती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देख लो यही बना था, और सपोर्ट करो अपना ढेर सारा, प्यार देना, और कमेंट में जरूर बताना कि ये ईद वाला जो लुक है आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज बताना कमेंट में। और फिर से मैं बता देती हूँ कि मेरे घर पे आलू सही है कि सब्जी और चावल होना था, ये तो खा चुकी है, दीने में के खा चुकी है, खाना खा चुकी है। और पता है हमारे घर पे ना अभी इस समय लिट्टी बना था, वो भी मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी। सपोर्ट करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय। हमेशा माइंड पे रहता है इंस्टाग्राम, मतलब ज्यादा मैं बहुत ज्यादा सेकेंड कर ही लोना थी, इसीलिए बाय, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए।